तो जागु दादा हाउ ओल्ड यू गो दैट अंडा कड़ी पत्ता ओके जागु दादा अंडा लेने का निकालो उसमें से योग निकाल दे योग निकालने के बाद सफेद रह गया बराबर सफेद इधर ही रखना हिलाना नहीं तेल कड़क हुआ अरे कड़ी पत्ता कंजूसी जरा भी नहीं है भूसा दबा दबा के लकड़ी से दबा धबा धबा तीन चार गंडी के पत्ते डाल दे अगर तेरे को तिखट अच्छा लगा तो एक मिर्ची लंबा काट के अंदर उसके अंदर ये जो अंडा इधर का जो हिलाया नहीं वो डाला फाट नहीं मौसी सॉरी कड़ी पत्ता का फ्राई ऊपर डाला अंडे पे जो कच्चा है और उसको उल्टा कर नहीं अच्छा लगा तो आगे मेरे मुंह पे थूकना नहीं ज्यादा उसका भिंडी को काट इतना इतना ही काट वो जो क्यूब होता है ना इतना 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 काटना और उसके बाद में कांदे को भी उतना उतना काटना अब कांदे को अपने को काटने का चौकंडी चौकंडी मतलब क्यूब और उसको बाजू में रखने का पानी में रखने का सीधा ऑयल के अंदर जो अच्छा ऑयल मिले आज बिना मिलावट के उसमें डाल देना कांदा भिंडी सूखा होता है तो उसको हिलाने का नहीं उसको सही का वैसे ही रखने का थोड़ी देर दिख जाएगा अगर उसके अंदर तेरे को लहसुन डालने का है तुम लोग के मूड में है तो डालना एक डालना समझा बड़ो मस्के की तरह एकदम ऐसा हो जाएगा उसके बाद निकाल और फिर तेरे मूड में कैसे खाने का भाकरी के साथ खा प्यार से निकाल के पोट में डालने का फिर सो जाने का ऐसा बैंगन समझ मिर्ची डालने का अंदर और उसको ऐसे बना देने का काट ऐसा उसके अंदर लहसुन भी डालने का भोग के मतलब घुसना चाहिए वो लहसुन और मिर्ची उसको लेने का गौरी अगर तुम नसीब है तुम लोगों का कि गौरी तुमको मिले कहीं से मतलब गाय का जो सूखा हुआ मालूम है ना बच्चे लोग गांव का है तुम लोग आदत है सबको गैस पे खाने का इजी है कि बिल्डिंग के अंदर अपन गौरी बौरी लगाया तो अपने को निकाल देंगे तो गौरी पे रखने का वो और उसके कवर करने का गौरी से थोड़े देर के अंदर गेम बच गया उसको लेके पीस देने का उसके ऊपर सरसों का तेल नमक डालने का और फिर बस सूखी रोटी एकदम टूटने वाली और प्याज कैसे फोड़ के आराम से खाने का टाइम लेने का खाने पे जितना आराम से खाएगा उतना अपने शरीर को अच्छा लगेगा।